आप सब नमस्ते प्रणाम। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शांति की लाइफ स्टाइल वहाँ पे स्वागत करती हूँ। तो बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे मेरे गोल्ड जो मंगलसूत्र है उसके कलेक्शन के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप सबके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कर देती हूँ। बदमाशियां मत करो। तो आप सबको सबसे पहले तो दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं अपने गोल्ड के मंगलसूत्र से शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले है मेरा ये वाला मंगलसूत्र जो कि मेरे शादी के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझे पहनाया हुआ था। तो ये मतलब बहुत टाइम ना ये टूट भी गया है, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो साइड साइड से। तो मुझे एक सलाह भी चाहिए थी क्या कि हम जो मेरा शादी का मंगलसूत्र होता है उसको फिर से हम तुड़वा के बनवा सकते हैं कि नहीं। तो उस टाइम पे इस तरह के मंगलसूत्र बहुत ट्रेंड में हुआ करते थे। तो ये मेरे पास सबसे मतलब यही मेरे पास है जो कि गोल्ड, प्योर गोल्ड का है। ये कलर लग गए हैं, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये मेरे शादी का मंगलसूत्र है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये पूरा टूट गया है। तो ये रहा मेरा पहला मंगलसूत्र। अब मैं आपको वो मंगलसूत्र दिखाने जा रही हूँ जिसके लिए आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे। वो है ये मंगलसूत्र, लुक एट दिस। तो सबसे पहले सूत्र में इस तरीके का जो ये चौड़ा वाला पट्टी है ना, वो इस तरीके से है। ये पहनने के बाद ना आपको किसी और चीज को पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस पे ये जो मंगलसूत्र है, ये 1 ग्राम गोल्ड वाला मंगलसूत्र है। ये प्योर गोल्ड का नहीं है, प्योर गोल्ड का बनाया जाएंगे तो 2-2.5 लाख का आई थिंक ये मंगलसूत्र बनेगा। तो ये 1 ग्राम गोल्ड की है। इसकी प्राइस तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जो मंगलसूत्र है इनकी प्राइस बहुत हाई होती है। ये जो है वो मेरे को ड्रीम ज्वेलर्स करके ऐसे पेज है, वहां से आया था। प्रमोशन नहीं कर रही मैं आपको, बस सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, इसके साथ की मैचिंग इयर रिंग्स भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके से आपको ये लगेगा नहीं वीडियोज वगैरह में तो बिल्कुल भी कि ये गोल्ड नहीं है। तो ये रहा मेरा दूसरा मंगलसूत्र। अब मैं तो जो मंगलसूत्र बहुत 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 ज्यादा मुझे खूबसूरत लगता है, मतलब इससे खूबसूरत मुझे कोई मंगलसूत्र नहीं लगता अभी तक, वो है ये। पहले तो आप इसकी लॉकेट की डिजाइन देखिए। ये मैं डिफरेंट, ये 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है, ये प्योर गोल्ड नहीं है। प्योर गोल्ड में से ये लॉकेट ही 2-2.5-3 लाख का मिल जाएगा। इसकी डिजाइन इतनी खूबसूरत है, अगर आप गोल्ड में बनवाएंगे ना इस तरीके का, तो मतलब ये अगर इसको अब मैं पहन के आपको दिखाऊं तो ये पहनने के बाद मुझे किसी भी चीज की ना जरूरत नहीं लगेगी, मतलब कोई भी चीज नहीं पहनो। ये लॉन्ग मंगलसूत्र है, तो इसका जो सबसे पहले तो ये लॉकेट बहुत प्यारा लगता है। इसके नीचे ये जो लटका है, छोटी छोटी सी लटकन है, यहाँ पे ये जो इसकी जो चेन है ना, ये चेन की जो इसकी डिजाइन है, ये मुझे बहुत प्रिटी लगती है, बहुत यूनिक सा है। ये मुझे इंस्टाग्राम के पेज से प्रमोशन के लिए आई हुई थी और ये बहुत 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 रियली बहुत प्रिटी है। तो ये देख लीजिए, ये मंगलसूत्र मुझे मतलब कितनी तारीफ करूं, मैं सिर्फ बहुत इसकी तारीफ ही कर रही हूँ। मैंने एक बार इसको यहाँ से बांध दिया हुआ था पीछे की साइड में, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो ये यहाँ तक आता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। और क्योंकि गोल्ड में देखिए इन्वेस्ट करना अच्छी बात होती है, बट एक और चीज होता है कि हम हर वक्त जैसे सेफ फील नहीं करते, बाहर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं ऐसे भी, तो हमें लगता है कि हमने गोल्ड पहना हुआ है। तो आप इस तरीके के 1 ग्राम गोल्ड की जो ज्वेलरी है ना वो बिल्कुल ले सकते हैं। आपको अपना तीसरा मंगलसूत्र दिखाती हूँ जो कि है ये। ये भी मैंने अभी रिसेंटली सूट में वियर किया हुआ था, तो बहुत सारे लोग के इस वीडियो पे कमेंट आए थे कि ये मैंने लहंगे के साथ भी पहना हुआ था। आपने करवा चौथ वाला मेकअप वीडियो देखिएगा उसमें। तो ये जो मंगलसूत्र है ये भी 1 ग्राम गोल्ड का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लॉकेट है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसकी जो डिजाइन है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरा रहा तीसरा मंगलसूत्र जो कि मुझे बहुत यूनिक सा एकदम अलग सा लगता है, मतलब सूट वोट के ऊपर या साड़ी के ऊपर बहुत अच्छा जाता है। तो ये भी मुझे इंस्टा के पेज से ही रिसीव हुआ था। एंड मैंने एक जो अभी मैं मंगलसूत्र दिखाने जा रही हूँ, इसकी जो डिजाइन है ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा ये मंगलसूत्र। ये जो मंगलसूत्र है ये मैंने मीशो से लिया हुआ था, और ये ना मतलब जो महाराष्ट्रियन टाइप के गोल्ड की डिजाइन होती है ना, कुछ इस तरीके के डिजाइन में बना हुआ है। ये बहुत छोटू सा आता है बट बहुत प्यारा लगता है, बहुत ट्रेंडी लगता है। तो ये भी मंगलसूत्र है, तो आप मीशो से भी ले सकते हैं। और मैंने इसको बहुत पहना है बट इसका ना कलर गया ना ये काला हुआ, बट हाँ साइड से यहाँ से इसके कलर जाने लगे, बट 1 ग्राम जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना उसके कलर नहीं जाते हैं, और ना ही मतलब कि बहुत अच्छे होते हैं, रियली उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में एक और मंगलसूत्र सबसे छोटू सा जो है मेरे पास, ऐसे मेरे पास और भी हैं। अभी मैं अगर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे आप लोग तो मैं सेकेंड पार्ट इसका शेयर करूंगी। जो है कि ये लुक एट दिस,
यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे मटर के दाने के जैसे ये बटन लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड गोल्डन कलर का। तो ये मंगलसूत्र रियल में गोल्ड का लगता है। मुझे बहुत बार लोगों ने बोला है कि मैंने आई थिंक हल्का सा एक मंगलसूत्र तो नहीं बनवाया है, एकदम गोल्ड का ये चेन पैटर्न में है, तो ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और साड़ी पे मतलब ये सूट पे है, अब कुछ नहीं पहनो इसको डालो, और ये ना इसका कलर भी नहीं गया, ये 1 ग्राम गोल्ड का ही है तो इसका कलर भी नहीं गया देखिए। तो ये रहा, तो ये रहे मेरे सारे मंगलसूत्र के कलेक्शन जो कि 1 ग्राम गोल्ड के हैं, गोल्ड वाले भी हैं। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बहुत थकान है, दिवाली है, साफ सफाई आज धनतेरस है, तो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। देखिए मैं इसको कब एडिट करके अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को खूब सारा आप सब प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।